जिया यहाँ पर बैठी हुई है, कब से इंतजार कर रही है गोल्ड कलेक्शन दिखाने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर सारा, यहाँ पर पिटारा जो है यहीं पर है। यहाँ पिटारा जो है खुलेगा, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि क्रियांश को क्या क्या मिला हुआ है गोल्ड में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, डिमांड तो बहुत दिनों से हो रही थी इस ब्लॉग की। तो जी बात यह है कि हम जो है गोल्ड कलेक्शन दिखाने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू लग रहा था, लेकिन जी फिर हमें ध्यान आया कि हमारा जितना भी गोल्ड रहता है वह तो बैंक के लॉकर में रहता है। अभी क्रियांश का जो कुछ गोल्ड है वही अभी थोड़ा बाहर है, बाकी फैमिली के जितने भी मेंबर है सभी का जितना भी ज्वेलरी है सब कुछ लॉकर में रहता है। अब क्रियांश का भी जो गोल्ड है आज लॉकर में चला जाएगा। तो जिया बोली कि इससे पहले जो है थोड़ा सा गोल्ड कलेक्शन वीडियो डाल लीजिए, नहीं तो फिर बाद में जो है कभी भी डालना मुश्किल हो जाएगा। तो सोचा चलिए कोई बात नहीं, डाल ही देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी हम घर के अंदर आ गए हैं और जिया यहाँ पर बैठी हुई है, कब से इंतजार कर रही है गोल्ड कलेक्शन दिखाने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर सारा, यहाँ पर पिटारा जो है यहीं पर है। यहाँ पिटारा जो है खुलेगा, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि क्रियांश को क्या क्या मिला हुआ है गोल्ड में। तो स्टार्ट करिए जिया। हां स्टार्ट कीजिए, वैसे पंखा बंद कर दीजिए नहीं तो फिर आवाज आएगा। तो जी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहला जो जिया दिखाने वाली है गोल्ड, वह कौन सा गोल्ड है जिया? सबसे पहले हम लिए थे सबसे पहले वो दिखाएंगे। अच्छा, जो हम लोग लिए थे सबसे पहले। ओके, तो जी आपको दिखा रही है जी। तो यहाँ पर पिटारा खुल रहा है, जिया सोच रही है कौन सा है, ये कंफ्यूज हो गई है, इतनी सारे में से कौन सा अपना है। अच्छा यह रहा, तो ठीक है। इस बैग के अंदर हम लोग लेते हैं ना राधेश्याम ज्वेलरी से, वहाँ से एक दो और आदमी ले लिए हैं। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसके अंदर भी एक डब्बा है, डब्बे के अंदर डब्बा। जी आपको दिखा रही है सबसे पहला जो गोल्ड कलेक्शन है, और यह हमें बहुत ही अच्छा लगा था और बहुत ही श्रद्धा से हमने खरीदा था। तो देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कृष्ण जी है जो हमने सबसे पहले बाबू के लिए लिया था। तो ये एक लॉकेट लिए थे जो कि देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत हैवी है। हाँ जी, अंदर देख सकते हैं बहुत हैवी है ये। तो हमारे यह कृष्ण जी हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो हैं कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो हम सोचे थे बाबू के लिए कुछ भी लेंगे, सबसे पहले उसे सबसे पहले हम लोगों के मन में आ रहा था कि हनुमान ही लिया जाए। नहीं, मेरे मन में आ रहा था ना कि कृष्ण राधा लेंगे, लेकिन राधा कृष्ण मिले नहीं, सिर्फ कृष्ण मिले। क्योंकि वो बोला हमारे पास है नहीं, तो हम बोले उतना टाइम मेरे पास है नहीं कि हम फिर से आपके पास आकर के लिए, जो है वही दे दीजिए आप। तो यही मिला। हाँ जी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अब आपको दिया दिखा रही है इस गोल्ड कलेक्शन का अगला गोल्ड। तो ये हम दिए, ये हम दिए थे बाबू को। और ये भी कुछ दिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और दूसरा दिखाती हूँ, देख सकते हैं राधे श्याम ज्वेलरी का। अच्छा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो जिया दिखा रही है अब आपको क्रियांश का अगला ज्वेलरी कलेक्शन। ये देख सकते हैं दोनों हाथ में पहनने वाला, इसमें की गोल्ड है और ये मोती भी है, ब्लैक मोती और उसका गोल्ड का। आप लोग बताइएगा जी यहाँ कैसा लगा आपको। दोनों हाथ में पहनने वाला है, ये क्रियांश के मामा दिए हैं मोलू, है ना। क्रियांश को हम लोग हाथ में पहना भी रहे थे यार, तो बार बार ऐसे निकाल दे रहा था। तो इसीलिए हम लोग कह भी रहा था कि हम दिए हैं अभी पहनने के लिए, आप जोक जोक के रखती है, मतलब पहनने के लिए दिए हैं, छोटा सा है वो अभी नहीं पहनेगा तो कब पहनेगा। अच्छा, हम बोले वो हाथ से निकाल देता है, थोड़ा सा बड़ा जब हो जाएगा ना, इतना जब उसका हाथ हो जाएगा तब वो पहनेगा। हाथ तो इसके अंदर लगता है अब मोटा हो जाएगा। नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो वो एक बार आया था तो मोलू तो पहना भी दिया था। अच्छा, फिर रुक गया। तो ऐसा करेंगे किसी पार्टी वार्टी में जाएंगे ना, तब पहना देंगे। उसको बहुत शौक है कि हम दिए अपने भांजे को तो वो पहने। अच्छा, और वो अपने खुद के पॉकेट मनी से दिया है, दोनों मामा मिलके, गोलू मोलू मिलके। सही है। तो आप लोग को ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको दिखाते हैं जी इस गोल्ड कलेक्शन का अगला गोल्ड, इसमें कुछ सिल्वर सब भी होगा ना। हाँ, कुछ सिल्वर भी है जी। आपको दिखा रही है अगला पिटारा खोल करके, तो यह है एक हनुमानी। हाँ जी, तो बाबू का यह हनुमानी को एक बार नजदीक से आपको दिखा देते हैं। ऐसे साइड में हम फोटो मेंशन कर देंगे। ये भी गोलू की मम्मी दी है, मतलब हमारी फुआ। आप लोग बताइएगा जी कैसा लगा यह गिफ्ट। मतलब छोटा है ना, तो अभी छोटा बाबू है तो पहनने के लिए भी सही रहेगा। तो और फुआ दी थी ये देखिए। अच्छा, पहनने के लिए कमर। इसके अलावा यह भी था कमर में, ये क्यों पहना रही है कमर में? क्योंकि वो चुभेगा अभी। उनको ध्यान भी नहीं था इस चीज का? हमको भी ध्यान नहीं था, दी थी तो बस हम रख दिए थे क्योंकि बाबू को पहनना नहीं था। तो अच्छा हुआ यह वीडियो रिकॉर्ड करते करते जो है यह भी निकल गया सामने और ध्यान आ गया, इसको बाहर ही निकाल के रखो। कहा जाता है मतलब ये जूना है, बच्चे सब जो दौड़ते हैं देखते हैं छोटा छोटा करता है। और ये कौड़ी कहते हैं इसको, शायद वो है। बोलते हैं, अलग अलग पत्थर है इसमें, मतलब अलग अलग टाइप का, बहुत अच्छा होता है बच्चे को पहनने के लिए। ये भी दी थी तो हमको ध्यान ही नहीं था, हम रख दिए थे बस। तो आप लोग बताइएगा जी अभी कैसा लगा, और क्या आप लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए वैसा बनवाया है कमर में बांधने के लिए? इसके बाद जो है ना ये भी बुआ के पापा दिए, क्रियांश के पापा। अच्छा, तो आपको बताइए इसमें क्या है। तो पहला ही चीज खुल रहा है जो क्रियांश के पापा का है। तो बताइए आप इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है? हमको ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप खरीदे आपको पता भी नहीं। सिक्कर है क्या? सिक्कर क्या होता है? चेन नहीं,
को ध्यान भी नहीं। देखिए क्रियांश के पापा कैसे हैं। अच्छा ये है, वो कह रहे हम गोल्ड में सोच रहे थे। क्रियांश के लिए यह मठिया लिए थे, देख सकते हैं यह है सिल्वर का। जो कि हम बोले थे हमको झुनकी वाला चाहिए, तो ये बोले कि झुनकी वाला जो है ना चुभता है और टूट जाता है, शायद ज्वेलरी वाले वो भी ऐसा ही कर रहे थे, वो भी ऐसा ही कर रहे थे, तो उन्होंने लिया नहीं ये ले लिया। तो ये भी अच्छा है क्योंकि अब झुमकी वाला बहुत सारा हो गया है बउआ को। हाँ जी, तो ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात की ये ठोस बहुत ज्यादा है, हम इसलिए लिए थे कि यह ठोस बहुत है, टिकेगा ज्यादा दिन। ठीक है जी, यह आपको दिखा दिया, अब जिया दिखाती है आपको इस कलेक्शन का कुछ अगला सामान, जिया दिखाया जाए। अच्छा है, तो यह पिटारा खुल रहा है अब। ये स्वर्णिका ज्वेलर्स है भागलपुर का है। ओके, तब रिया की तरफ से होगा ये। भागलपुर का जैसे नाम आया समझ में आ गया, रिया रिया भागलपुर रहती है तो रिया भागलपुर से ही लेगी। तो बाबू की मौसी ने भी जो है बहुत ही प्यारा सा तोहफा दिया था, छोटा सा, देख सकते हैं कितना प्यारा सा ओम है यहाँ पर। और ये मतलब अपने पैसे से दिए, उसको जो अपना पॉकेट मनी रहता है, पॉकेट मनी नहीं उसको मिला हुआ था, 10th में वो फर्स्ट की थी, तो मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से, 10,000। अच्छा, बिहार सरकार के तरफ से जो कुछ कुछ पैसा मिलता है, तो वो जमा करके रखी हुई थी उससे दी। वाह, बोलिए हम पहली बार मासी बने हैं तो हम तो देंगे, हम बोले बस उसका पढ़ाई के लिए रखो, बस उसका प्यार ही काफी, इतना मानती है अपने बहन बेटे को। ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा हमको लगा, बोली हलमानी हम नहीं देंगे क्योंकि जो देखो वही दे देता है। अच्छा, तो इस वजह से हम कुछ अलग देंगे, कुछ डिफरेंट देना चाह रही थी। तो आप लोग बताइएगा जी, रिया का यह जो है गिफ्ट कैसा लगा आपको? उसके साथ ड्रेस भी दी थी, ड्रेस अभी हम आपको नहीं दिखाएं, बाद में दिखाएंगे आपको। हाँ जी, तो फिलहाल अभी एक और पिटारा खुलेगा, इसमें लिखा हुआ है सचिन ज्वेलर्स, भरोसा विश्वास, खरीक बाजार। खरीक बाजार, तो ये मम्मी की तरफ से होगा शायद, मम्मी और या फिर अंजलि बुआ, नन्ही बुआ। चलिए जी, यह खुल रहा है, तो ये जो है। हाँ जी, तो ये मम्मी की तरफ। हाँ जी, तो जिया जो बात कर रही थी मठिया की, जिसमें इसको चाहिए था थोड़ा सा यह आवाज करने वाला लटकन सब जो लगा हुआ है, झुनझुन करता है, ठोस है लेकिन जो है झुनझुना भी लगा हुआ। तो इसी के बारे में बात कर रही थी जो हम नहीं लेकर के आए। तो आप लोग बताइएगा जी, जिया की मम्मी का यह गिफ्ट आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी बताइएगा आपके बच्चों के लिए क्या ऐसा लिया है आपने झुनझुनी वाला, और उसके बर्थडे में हम लोग क्या ले जो बउआ को अच्छा लगे जब वो बड़ा हो। आप लोग बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा जी, बिलो के सजेशन पे कुछ लेते। वैसे ये सब बच्चों का जो है पहनता तो नहीं है, बस ये है कि गिफ्ट है, कोई फर्स्ट टाइम दिया तो अच्छा तो लगता है, रहता है। उसको याद रहता है कि हाँ मतलब ये कोई दिया था। वैसे ये सब जरूरत नहीं होता है, कोई अपना प्यार दे आशीर्वाद दे बाबू को, यही बहुत बड़ी है। और इसके साथ जो ये है इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पर इसे तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अंदाजा है मुझे। अच्छा, ये जिया को अंदाजा, हमको अंदाजा नहीं है। ये है कजरोटी, क्योंकि रिया लेके आई थी बाबू के लिए, चांदी का है। चांदी का यह है कजरोटी, इसमें तो कभी काजल डालेगी नहीं, नहीं उसके साथ ना मतलब लोहा का ज्यादा मान्यता है, लोहा का कजरोटी में काजल होना चाहिए, तो वो भी लेके आई थी क्योंकि इधर देखिए लगू भी गया, तो ये बस ऐसे ही लेके आई, तो उसको हम रख दिए। काजल जो लेके जिसमें पार के काजल आई वो अभी यूज हो रहा है। तो अब जो है अगला पिटारा खोला जाए, अगला पिटारा जो है विश्वकर्मा ज्वेलर्स भागलपुर। रिया का फिर से किया कुछ? नहीं नहीं, इसमें हम लगता है गलत डब्बे में गलत चीज आ रही है। ये सिल्वर का कॉइन है, okay. जो कि अभी बउआ गया था दीदी के यहाँ पे। अच्छा, रक्षाबंधन में जो गया था वही वाला है। हाँ, कंचन दीदी के यहाँ जो गया था, कंचन दीदी दी थी, जिसमें कि ये देख सकते हैं आप लक्ष्मी गणेश बना हुआ है, और ये भी राधे श्याम ज्वेलरी का ही है। अच्छा। क्योंकि हमारी कंचन दीदी अभी कटिहार में रहती है तो वहीं से ली है, क्योंकि कटिहार का अच्छा दुकान है ज्वेलर का। नहीं, तो थैंक यू कंचन दी, बहुत ही प्यारा है। अब जो है खोला जाए अगला पिटारा, अगला पिटारा में ये खोलते हैं, ये सचिन ज्वेलर्स का। ओके, ये भी खरीक से है। ये है नन्नी बुआ की तरफ से। अच्छा, नन्नी बुआ की तरफ से, तो थैंक यू नन्नी बुआ प्यारे से तोहफे के लिए, बहुत ही प्यारा है। जल्दी से खोला जाए अगला पिटारा, अब हम भी थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं। दिखाया जाए जल्दी। ये जो है इसका लगता है ये गायब हो गया है पर्स, लेकिन ये है हमारी मम्मी की तरफ से। ओके ओके, दिखाना एक बार, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है। जैसा आप कहें ना सेम वैसे ही, थोड़ा सा डिजाइनर लग रहा है। तो नानी की तरफ से बउआ के लिए यह है प्यारा सा हनुमानी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था इसका डिजाइन। इस तरह का डिजाइन जल्दी हमको मिला नहीं था, जब एक बार और गए थे डैडी के लिए लेने के लिए तो ऐसा मिला नहीं था, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसका भी फोटो साइड में मेंशन कर देंगे, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आप और दिखाते हैं जी आपको इस कलेक्शन का अगला सामान, ये भी लाल पटोरा खुल रहा है, ये वाला जो है ये अंजलि फॉ की तरफ से है। ओके, तो एक और बुआ जी की तरफ से टेढ़ा कर दिए हम, उसके लिए तो बुआ नानी हुई, बुआ लोगों के लिए बुआ जी हुई।
ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा यह मठिया है, यही पहना हुआ था ना बुआ? हाँ पहना दी थी वो, इसलिए टेढ़ा उड़ा कर दिया, देखते नहीं है चुभ गया था तो उसको खोल। अच्छा बड़ा होगा तो पहने। कोई नहीं, तो आप दिखाया जाए इस कलेक्शन का अगला सामान। इस कलेक्शन का जो अगला सामान है इसका पैकिंग बड़ा जबरदस्त था। अच्छा हाँ, ये रहा बउवा के लिए अंगूठी, जो कि बउवा अभी तो नहीं पहनेगा क्योंकि ये मम्मी गई ना शॉप, तो छोटे साइज का जो था वो बहुत मतलब अच्छा ठोस नहीं था। अच्छा। तो मम्मी बोली हम नहीं लेंगे, ठोस नहीं रहेगा तो। और ये बोल रहे थे कि हमें सुबह ही जाना है क्योंकि मतलब गाड़ी को सर्विसिंग में देनी है, सुबह ही जाएंगे हम। तो मम्मी बोली इतने कम समय में मैं कैसे बाहर भी जाए, भागलपुर सब जाए, तो खड़िक में ही लेना पड़ा। और छोटे साइज का था, छोटे साइज का जो था वो ठोस नहीं। मम्मी बोली बड़े साइज का लेंगे, जब बड़ा होगा तभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं जी, तो थैंक यू मम्मी जी। वैसे भी अभी वो पहने छोटा रहे या बड़ा रहे वो पहनने वाला है नहीं, ये बस आप लोगों का प्यार है। हमें ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा, कोई बात नहीं हम पहन लेंगे। और मुझे आप ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, तुमको भी ढीला हो रहा है। नहीं, अब आ जाता। अब आपको दिखाते हैं जी इस कलेक्शन का आखिरी सामान, जिसके बारे में जिया ने शुरुआत में ही बताया था। यह एक स्पेशल पर्सन द्वारा एक स्पेशल बच्चे के लिए लिया गया था। का अपना बच्चा होता है उसके लिए वो स्पेशल ही होता है। हाँ। जैसा भी हो। ओके। तो उसके लिए स्पेशल नहीं होता। और जो दिया है वो भी बहुत स्पेशल। और जो दिया है वो भी हमारे लिए बहुत स्पेशल। वाह बहुत बढ़िया। तो इसके लिए भगवान को जितना थैंक यू बोले बहुत ही कम है, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्पेशल इंसान कौन हो सकता है। वो कैमरे के पीछे है। और जो दिया है उसके लिए स्पेशल इंसान कौन है। हाँ जी, तो ये दिए। तो आप ज्यादा देरी नहीं करती, इसको खोला जाए अब। तो ये दिए मेरे पति ने हमारे बच्चे को। हाँ जी, तो यहाँ बच्चे के लिए एक चेन मंगवाया था हमने, तो देख सकते हैं यार इसको खोला जाए। क्योंकि ये हमें भी नहीं बताए थे, ये अपने फ्रेंड के साथ जाकर के लेकर गया है। वो शिव गया था मेरे साथ उस दिन, राधे श्याम सोनी ज्वेलर्स। ये हमें भी नहीं बताए थे, हमें बस बोले थे कि बउवा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। हाँ जी, तो नजदीक से आपको दिखा देते हैं, तो आप लोग बताइएगा यह चेन कैसा लगा जो हमने बाबू के लिए लिया हुआ है। और एक चीज बता दें आप लोगों को, आज मेरे लिए इन्होंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है खुद से, वो भी ज्वेलरी। वैसे तो बहुत सारी शॉपिंग की है, कपड़ा उपड़ा जो भी होता है सब कुछ लिए है, लेकिन ज्वेलरी की कुछ भी शॉपिंग नहीं की। ज्वेलरी से हम दूर रहते हैं। लेकिन ये अपने बच्चे के लिए लेके आए जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और भी बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और उस दिन की स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। ये हमको क्या बोले कि हम जा रहे हैं कुर्ता लेने के लिए। और हम भी सोचे हाँ, क्योंकि इनको हम बार बार बोल रहे थे जाकर के सिलने के लिए दिए, जाकर के लेके आइए। तो उस दिन हमको बोलते हम जा रहे हैं कुर्ता लेने के लिए। जिया बोले ठीक है जाइए, उधर से शिव से भी मिल लेंगे। बोले ठीक है जाइए। बाद में जब ये आए तो हमको बताए देखो ये लेके आए हैं। तो सरप्राइज था यार। बहुत ज्यादा। हम सोचे क्या आप खुद तो नहीं लेकर के आ सकते हैं क्योंकि आपको कुछ आइडिया है नहीं उतना। तो ये बोले कि हम शिव के साथ गए थे और उसके साथ लेके आए। चलो बढ़िया है। तो जी यह था हमारा आज का ब्लॉग और यह था क्रियांश का गोल्ड कलेक्शन। तो आप लोग का यह डिमांड था और इस डिमांड को आज फाइनली हमने पूरा कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अब ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि आज हम लोगों को निकलना भी है। और इसको जाके जमा भी करना है। तो हम सोचे कि जल्दी मतलब फिर वहाँ से लेके आओ बैंक से, फिर वीडियो बनाओ स्पेशल इसके लिए। तो क्योंकि अभी बाबू पहनेगा भी, तो फिर अभी कोई रीजन ही नहीं होता कि वहाँ से लेकर के आओ फिर वीडियो बनाओ। तो हम बोले रखने से पहले ही वीडियो बना लेते। हाँ जी, और आज हमको घर भी जाना है, कल हमारा एग्जाम भी है। हाँ, तो जी आपको एग्जाम देने भी जाना है। तो अब ऐसा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।